नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर स्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डिस्क को हाइड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी होता होगा कि आप कोई डिस्क में अपने पर्सनल फाइल को रखते होंगे और कोई दूसरा यूज़र उस फाइल को ओपन कर लेता होगा। तो उस कंडीशन में अपने डिस्क को कैसे हाइड करते हैं। और कभी कभी होता होगा कि आप कोई नया विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी वो एक डिस्क को हाइड कर देता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो ये वीडियो उसी पे आधारित है। इसके लिए आप इस वीडियो का शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो कंप्यूटर है उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से मैनेज पे क्लिक करना है। ऐसे अगर आपके डेस्कटॉप पे कंप्यूटर का आइकन पड़ा होगा तो वहाँ से भी आप ऐसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ मैनेज का ऑप्शन है, उस पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल गया और मुझे जाना है डिस्क मैनेजमेंट पे। अगर आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट शो नहीं कर रहा है तो यहाँ एक स्टोरेज के इधर एक एरो है, उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ डिस्क मैनेजमेंट शो कर देगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे मेरा कंप्यूटर में जितने भी डिस्क होंगे वो शो करेगा यहाँ। तो मुझे हाइड करना है सॉन्ग डिस्क को, तो इस सॉन्ग पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ एक चेंज ड्राइवर लेटर एंड पाथ है, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे रिमूव कर दीजिए, यस कर दीजिए। अब मैं जरा कंप्यूटर खोल के देखता हूँ। आप देख सकते हैं वो जो सॉन्ग वाला डिस्क था मेरा वो अभी हाइड हो चुका है। तो इसे अब फिर से अनहाइड कैसे करते हैं, तो फिर से वही स्टेप है। यहाँ कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए और मैनेज पे क्लिक कीजिए, यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट और ये सॉन्ग्स एक डिस्क है उसे मैं हाइड किया था, अब मुझे अनहाइड करना है। तो इस पर राइट क्लिक फिर से कीजिए और यहाँ चेंज ड्राइवर लेटर एंड पाथ्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ऐड पे क्लिक कीजिए और अपना ड्राइव का नाम चूज कर लीजिए, ड्राइव ए में रखना है या बी में या जी में, तो मैं जी में रखता हूँ और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब मैं कंप्यूटर खोल के दिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो सॉन्ग का ड्राइव था वो अब अनहाइड हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने मेल बॉक्स में हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर या मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स डालते हैं जो कि हिंदी में और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। Thank you.